हेलो फ्रेंड्स, आप सभी ड्रीम 11 से पैसे कमा रहे हैं, लेकिन आपको टेंशन ये हो रही है कि आप जो ये पैसे कमा रहे हैं ड्रीम 11 से, इसको कैसे आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो चलिए मैं आपकी इस टेंशन को दूर करता हूँ कि पैसे को आप कैसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर ट्रांसफर करने में आपको किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है। तो मेरे इस वीडियो में आपके सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। तो बस आपसे रिक्वेस्ट इतनी है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, ठीक है। तो कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें मैं आपको पहले अभी बता देता हूँ कि जैसे कि आप जो भी ड्रीम 11 ऐप यूज कर रहे हैं वो प्ले स्टोर से ना हो, वो ड्रीम 11 की साइट से डाउनलोड किया हुआ हो, तभी आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। प्ले स्टोर में तो काफी फर्जी ऐप है, तो उसमें आपको दिक्कत आएगी, पैसे ट्रांसफर होंगे ही नहीं। तो आपको पहले ड्रीम 11 की ऑफिशियल साइट पे जाके वहां से ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और उससे आप पैसे अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड, आपके पास अपने पैन कार्ड का फोटो होना चाहिए मोबाइल में, ओके। और थर्ड है वो बैंक जो आपकी पासबुक है उसकी एक फोटोकॉपी भी आपके मोबाइल में होनी चाहिए, ओके फ्रेंड्स। तो ये तीनों चीजें तो कॉमन चीजें हैं जो कि होनी चाहिए, और बाकी मैं आपको अपनी वीडियो में दिखाता हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाइए, ताकि मैं आपसे जुड़ा रहूँ और इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो आप लेके आऊँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आए। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं हम अपने मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से पैसे ट्रांसफर करते हैं, ओके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मोबाइल स्क्रीन पे आ गए हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ड्रीम 11 का ऐप जो ऑफिशियल ऐप हमने डाउनलोड करके रखा हुआ है, इस पर पहले आप क्लिक कीजिए, ठीक है। ऑफिशियल ऐप ही होना चाहिए, ये मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ। और इसमें आप देखेंगे कि अब इस ऐप के अंदर लेफ्ट कॉर्नर पे ऊपर एक निशान आ रहा है बंदे का, ओके, इस पर आप क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि इसमें नीचे ऑप्शन आ रहा है माई बैलेंस का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए माई बैलेंस दिखा रहा है 665, तो आप इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद आप इसे देखिए, नीचे ऑप्शन आ रहा है डिपॉजिट के नीचे विनिंग का, ठीक है। तो यहीं से आपका सारा जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा। तो विनिंग्स में आप देख सकते हैं कि वेरीफाई योर अकाउंट टू बी एलिजिबल टू विड्रॉ, तो पहले आपको अपने अकाउंट को वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद ही आप विड्रॉ के लिए एलिजिबल होंगे। तो चलिए हम फिर सबसे पहले इस पर क्लिक करते हैं वेरीफाई नाउ पे, ओके। इस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे इस प्रकार का पेज ओपन होगा जिसमें कि मोबाइल एंड ईमेल को वेरीफाई करना होगा। तो मोबाइल नंबर तो मेरा वेरीफाई है, अगर आपका नहीं है तो इसमें नंबर डाल के उस पर वेरीफाई पे क्लिक करके उसे वेरीफाई कर सकते हैं। बट नीचे और देखिए कि ईमेल भी वेरीफाई करना है, तो ईमेल भी अगर आपका वेरीफाई नहीं है तो उसमें ईमेल आईडी डाल के अपनी वेरीफाई पे क्लिक कर दीजिए। जैसे मैंने अपना ईमेल आईडी डाला है, उसके बाद मैं आपको वेरीफाई पे क्लिक करके दिखाता हूँ, ठीक है। इस पर वेरीफाई पे क्लिक कर दीजिए आप। देखिए मोबाइल पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपके ईमेल आईडी पे इस तरह का एक ड्रीम 11 का मैसेज आएगा, जिसमें कि आपको यहाँ पे क्लिक हेयर टू वेरीफाई, यहाँ पे आप क्लिक हेयर टू वेरीफाई क्लिक करते ही यहाँ से वेरीफाई हो जाएगा और इसके तुरंत बाद ही आपके मोबाइल पे भी वेरीफिकेशन मैसेज आ जाएगा, ओके। फिर चलिए अब नेक्स्ट ऑप्शन पैन पे चलते हैं, ठीक है। पैन कार्ड पे क्लिक करने के बाद इसमें ऑप्शन आ रहा है वेरीफाई योर पैन कार्ड, ठीक है, अपलोड पैन कार्ड इमेज। तो आपने जो पैन कार्ड की इमेज फोटो ली हुई है वो आप इस पर अपलोड करेंगे, तो इसके लिए आपको अपलोड पैन कार्ड इमेज पे क्लिक करना पड़ेगा और जहाँ भी आपकी कॉपी है वहाँ से इस पर डालना पड़ेगा गैलरी इमेज, ओके। ब्राउ पैन कार्ड वहाँ से अभी सेलेक्ट कीजिए
पैन कार्ड एडिट हो गया है, ठीक है, पैन कार्ड एडिट का ऑप्शन आ गया। अब आप इसमें नीचे अपना नाम डालिए, पैन नंबर डालिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए और सेलेक्ट स्टेट, जिस स्टेट से आप हैं वो स्टेट डालिए इसमें। ओके फ्रेंड्स, ये सब डालिए, उसके बाद फिर देखते हैं। तो सब कुछ फिल करने के बाद नीचे ऑप्शन आ रहा है सबमिट फॉर वेरिफिकेशन, तो इस पर आप क्लिक कर देंगे। तो देखिए पैन कार्ड डिटेल सेव्ड, ओके। ये देखिए अब आपका पैन कार्ड वेरीफाइड हो चुका है पूरी तरीके से, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ तक का तो प्रोसेस पूरा हो गया, अब हम नेक्स्ट स्टेप बैंक पे जाएंगे। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है बैंक, अब बैंक पे क्लिक करते हैं। बैंक पे क्लिक करते ही देखिए यहाँ पे वही प्रोसेस, अपलोड अकाउंट प्रूफ, तो आपको जो भी आपने अपने पासबुक की फ़ोटो वगैरह ले रखी होगी वो आपको यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी। अकाउंट नंबर, रिपीट अकाउंट नंबर एंड IFC कोड, बैंक नेम, ब्रांच नेम, ये सब कुछ आप भरिए और उसके बाद सबमिट फॉर वेरिफिकेशन पे क्लिक कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो चूज इमेज फ्रॉम गैलरी, ओके, देन गैलरी पे मैंने यहाँ से अपलोड हो चुका है, अकाउंट प्रूफ एडिट हो चुका है। अब अकाउंट नंबर डालते हैं। ओके फ्रेंड्स, IFSC कोड डालते ही तुरंत बैंक का नाम और ब्रांच नेम अपने आप ही आ जाएगा। तो फिर अब इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप है सबमिट फॉर वेरिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, देखिए अब इस पर आ गया है बैंक अकाउंट डिटेल्स सेव, बैंक अकाउंट डिटेल्स सेव हो चुका है, मोबाइल नंबर वेरीफाई है, आपका ईमेल एड्रेस वेरीफाई है, सब कुछ इसमें, पैन कार्ड भी वेरीफाई हो चुका है। अब देखिए लिखा है योर बैंक डिटेल आर अंडर रिव्यू, तो आपका जो आपने जो डिटेल दी वो अंडर रिव्यू है। तो मैं आपको बता दूं कि आई थिंक ये हो सकता है कि 24 घंटे के अंदर क्लियर हो जाए या फिर 2-3 दिन मैक्सिमम 1 वीक के अंदर अंदर आपका ये जो वेरीफिकेशन पूरा हो जाएगा और इसके बाद आप पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में। तो फ्रेंड्स, तो अभी वेरीफिकेशन, तो फ्रेंड्स आफ्टर 1 डेज देखिए मैं हम फिर से चेक करते हैं। तो यहाँ पर क्लिक किया माय बैलेंस पे जाके माय बैलेंस पे क्लिक किया और देखिए यहाँ पे बिल्कुल एकदम जो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा था वेरीफाई करने के लिए वो अब वो जा चुका है और सीधे सीधे विड्रॉ का ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है। ये 24 घंटे के अंदर अंदर जो है ये बैंक का वेरिफिकेशन हो चुका है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे आप विड्रॉ पे क्लिक कीजिए। देखिए विड्रॉ पे क्लिक करते ही आपके बैंक अकाउंट का नेम और जितना पैसा आपको विड्रॉ करना है वो सारे ऑप्शन यहाँ पे आ चुके हैं। तो आपको जितना भी पैसा विड्रॉ करना है इसमें डालिए और विड्रॉ पे क्लिक कर दीजिए। तो ओके फ्रेंड, मैं आपको बता दूँ ये सिर्फ 24 घंटे के अंदर अंदर हो चुका है और इसमें देखिए एक चीज़ और लिखा हुआ है कि 200 रुपये मिनिमम और 2 लाख रुपीज़ अलाउ पर डे, मिनिमम 200 रुपये होने चाहिए या फिर मैक्सिमम 2 लाख रुपीज़। इससे 200 से कम आप ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे और 200 से दो 2 लाख से अधिक नहीं कर पाएंगे आप एक दिन में। ओके फ्रेंड्स, तो 200 रुपये तो आपके इसमें होने ही चाहिए। तो चलिए मैं अपना एक जो अमाउंट है वो डालता हूँ उसमें। 6 एक्टिव मेरे पास थे तो मैं आई थिंक 650 यहाँ पर विड्रॉ कर लेता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए विड्रॉ पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए विड्रॉ पर मैंने क्लिक किया, अमाउंट 650 बन जा रही है। ओके कन्फर्म पे आप कीजिए इसके बाद। ये देखिए सक्सेस, योर कैश विल बी क्रेडिट टू योर बैंक अकाउंट। ओके फ्रेंड्स, नॉट एनी प्रॉब्लम, 31 रुपीज़ मेरे पे बैलेंस बचे हुए हैं। तो फ्रेंड्स बिल्कुल ईजी है, कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई दिक्कत हो आप कमेंट्स करके मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, प्लस बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाइए ताकि इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो मैं लाऊँ तो आपको तुरंत पता चल सके। ओके फ्रेंड्स, ओके बाय, थैंक यू।